नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन संस्थान परीक्षा प्लस में। एसएससी सीजीएल की वैकेंसी की बात करें तो ये एक बहुत बड़ी चर्चा बनी हुई है कि 37,836 पद, देखा जाए बहुत बड़ी संख्या होती है और बच्चे इस बात पे यकीन कर नहीं पा रहे कि ये फेक है या फिर रियल है। इसकी पुष्टि मैं आज आपको यहाँ पे करूंगा, साथ में ही इसकी जो परीक्षा तिथि है वो भी 1 दिसंबर से और 13 दिसंबर के बीच में। ये ऑफिशियल तो नहीं आया है बट 99.99% सही है। मैं ऐसा बोलूं कि 100% सही है तो भी गलत नहीं होगा। हाँ, ये बात अलग है कि बाद में इसमें पोस्टपोन कर दें या फिर किसी कारणवश इसे आगे डिले कर दें, अगर सब कुछ ठीक रहा तो आपकी परीक्षा 1 दिसंबर से होना तय है। इस बार एसएससी बहुत तेजी से काम कर रहा है और उसके ऊपर शासन का बहुत ज़्यादा प्रेशर है, समय नहीं मिल रहा है, बहुत बल्क वैकेंसी है। एक तरफ सरकार का मानना यह भी है कि जितने ज़्यादा कम समय में वैकेंसी कराएंगे उतना ज़्यादा बैकलॉग जाएगा और वो फिर अगली बार दोबारा फिर निकालने का प्रयास करेंगे। और जो ये 37,000 का है इसको भी मैं आपको दिखाऊंगा, एक जो पीडीएफ पहल नहीं है अगर आप अच्छे से देखो इस चीज़ को, बहुत सारे बच्चे तो जानते नहीं है, जिसको मैं आरटीआई भी आपको दिखाऊंगा। ये है जो डीओपीटी से सीधा आया हुआ है, ये अंदर इंटरनल पीडीएफ शेयर हो रही है ना, बहुत सारे टेलीग्राम ग्रुप पे, बहुत सारे यूट्यूब चैनल पे भी आप देखते होंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि वहां पे अभी ये नहीं क्लियर हो पा रहा है कि ये फेक है कि रियल है। देखो ऑफिशियल नहीं है तो हम इसके बारे में एग्जैक्टली तो नहीं कह सकते, लेकिन ये एकदम सही है और इतना भी बोल सकते हैं कि अगर इतना टोटल नहीं दिया हो सकता है, क्योंकि ये इतना बता रहा है कि इतने पद एसएससी सीजीएल के इस बार 2022 से प्रस्तावित है, आ सकते हैं, आएंगे और आ सकते हैं, दोनों में अंतर होता है। फिर भी 21,000 पद तो कंफर्म है और हो सकता है जो सबसे ज्यादा जो आपका देखे होगे तो ये पोस्टल असिस्टेंट वाला जो पद है मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन में, इसमें बढ़ा है। तो ये जो डाक वाला है इसमें हो सकता है कि कुछ इंक्रीज करें, कुछ फर्दर 2023 वाली वैकेंसी में इंक्रीज करें, बट इतना मान के चलिए कि आपका अगर बहुत यहां से भी कम किए, नहीं 37,000 तो भी 25,000 से 26,000 पद मिनिमम आपका आ रहे हैं एसएससी सीजीएल से। और फाइनल, क्योंकि एसएससी में क्या होता है कि फाइनल सिलेक्शन होते होते, ज्वाइनिंग होते होते वो वैकेंसी को अपडेट करते हैं कि इस बार इतनी वैकेंसी इसके अंतर्गत दे दी गई है। तो ये हो सकता है 30,000 का आंकड़ा 30,000 पर, तो हो सकता है 37,836 भी पद इस बार इंक्लूड कर ले, क्योंकि ये ऐसा बोल सकते हो बहुत बड़ा उलटफेर होने वाला है। ये लोग आगे चल के सीईटी पर भी कर रहे, तो हो सकता है आगे फिर एसएससी के इतने पद देखने को ना मिले। ये इनके दिमाग में ये भी चल रहा है कि अभी तक जितना हुआ है सब इस बार करवा लो, 2024 का चुनाव है। तो मैं एक बात आपसे बोलूंगा, समय आपके पास बहुत कम है, गिन के 34-35 दिन है और इतनी ज्यादा वैकेंसीज में अगर आप अब नहीं कर पाए तो शायद जिंदगी में इससे अच्छा अवसर कभी नहीं आएगा। इस समय सब कुछ छोड़ दीजिए, आप चाहे राज्य स्तरीय परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, आप चाहे टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, सबकी सब कुछ इस समय 1 महीने के लिए छोड़ दीजिए। अगर देखा जाए तो आपके पास नवंबर महीना है 1 तारीख से, और ये पोस्टपोन होने का चांस 0 है, मैं इतना बता रहा हूं। बाकी आप के खुद के बुद्धि विवेक पे है कि आप इसे सही मानो या फिर अपना 1 महीना बर्बाद करो, वो आपका अपना वो है, ठीक है। अगर कुछ ऐसा नहीं होता है जिससे आयोग को चीजें डेट आगे खिसकानी पड़ी तो आप बहुत जल्दी ऑफिशियल नोटिस भी इसका सुन लोगे, 1 दिसंबर से 13 दिसंबर के बीच में इसका एग्जाम हो जाना है। आरटीआई का रिप्लाई है ये, अगर देखो, हालांकि आरटीआई रिप्लाई भी थोड़ा सा ये लोग प्रोविजनल देते हैं, ठीक है, प्रोविजनल इन द सेंस कि किसी ने आरटीआई मांगा है तो उसके आधार पर क्या कर दिया जाए, बस दे दिया जाए, ये इतना कर देते हैं। लेकिन फिर भी आपको 1 तारीख मान के चलना है और 30-35 दिन बहुत ज़्यादा नहीं होते हैं। दिवाली की छुट्टियां कंप्लीट हो चुकी हैं, अब उन छुट्टियों से आप लोग बाहर आइए, अपने दिमाग को थोड़ा सा फोकस करिए और एसएससी में अब से जुड़ जाइए। टीम इसके लिए बहुत अच्छा प्रयास आपके लिए कर रही है, आपने देखा ही होगा एक सीजीएल का निशुल्क बैच लेके आ रही है, एसएससी के सीजीएल का निशुल्क बैच, हालांकि इसका पेड कोर्स तो चल ही रहा है। ये निशुल्क बैच क्या होगा, इसमें क्योंकि समय बहुत कम है तो इसकी जो तैयारी होगी ये प्रैक्टिस बेस पे बहुत विधिवत कराने का प्रयास किया गया, बहुत अच्छा बैच इसे लेके आया गया है। इसमें आपको सबसे पहले क्या होगा, टॉपिक वाइज, सब्जेक्ट वाइज, पहली बात तो सब्जेक्ट वाइज ये डेली बेसिस पे 2 से 3 घंटे की क्लास होगी और फोकस ऐसे किया जाएगा कि अपर टेम्परामेंट 2 घंटा के एग्जाम में आपको देने 100 क्वेश्चन कवर किया जाएगा। इस 100 क्वेश्चन में आपके 100 MCQ होंगे और ये एक तरह का मॉक टेस्ट होगा, ऐसा मॉक टेस्ट होगा जो बहुत ही बेहतरीन है। इसमें सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट वाइज करेंगे, टॉपिक वाइज करेंगे और ये सारे ही मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद हम लोग फुल लेंथ टेस्ट भी करेंगे। हालांकि ये आपका स्टार्ट कब से हो रहा है मैं आपको बता दूं, 1 नवंबर से हो रहा है और एसएससी सीजीएल के लिए बहुत ही बेहतरीन, जो आप अगर देखोगे एक बहुत ही विधिवत टीम जो आपके लिए यहां पे
ये कवर करा रही है, इसको अच्छे से देखो। तो मैथ्स आपको मैं खुद ही पढ़ाऊंगा, और मैथ्स आपको मैंने बताया है कि अगर आपको एसएससी क्रैक करना है, सबसे पहली बात कि प्रीलिम्स मार्क्स जुड़ेंगे नहीं, आपको केवल क्वालिफाई करना है। और क्वालिफाई मतलब कि आप मेंस के लिए क्वालिफाई हो, वैसे तो 33% है, बट अगर मेंस के लिए क्वालिफाई करना है तो आपको मिनिमम 70% स्कोर करना है, मतलब 200 में से 140 स्कोर करना है। और अगर मैथ्स की बात की जाए तो मैथ्स में आपके दो ही तीन चैप्टर हैं, जैसे ट्रिग्नोमेट्री हो गया, जैसे आपका एलजेब्रा हो गया, जैसे आपका ज्योमेट्री हो गया। अगर इन तीन पे आप पकड़ मजबूत बना लेते हो, थोड़ा बहुत नंबर सिस्टम, तो आप 25 में से कम 15-17 क्वेश्चन केवल और डीआई इतने से ही कर लोगे, बाकी 4-5 क्वेश्चन जो है वो आपका पूरा ही है। तो इन चैप्टर पे ज्यादा विशेष देते हुए मैथ्स को मैं खुद लेके आ रहा हूं। रीजनिंग देखा जाए तो इसका फिक्स्ड पैटर्न होता है। आशीष सर पूरी एसएससी का बहुत विधिवत तरीके से आपको कवर करा रहे हैं। जीएस के लिए रमन सर लेके आ रहे हैं, इसमें करंट के भी, स्टैटिक के भी क्वेश्चन और कन्वेंशनल तीनों टॉपिक को वो बहुत विधिवत तरीके से कवर करते हुए करेंगे। और इंग्लिश के लिए सर्वेश सर, एसएससी कोर्स सिलेक्टेड, सब कुछ बहुत बेहतरीन तरीके से आपका कवर कराने वाले हैं। तो ये एकदम आप चयनित अधिकारियों के उसमें मार्गदर्शन में ये सारे के सारे क्या होगा, प्रैक्टिस होगा, और बहुत विधिवत तरीके से हम लोग इस चीज को कवर करते हुए चलेंगे। डेली बेसिस पे अगर देखा जाए तो 2-3 घंटे की आपको क्लास मिल रही है, और 1 नवंबर से ये बैच स्टार्ट हो जा रहा है। कहां पे चलेगा ये मैं आपको बता दूं, इसका बच्चों जो क्लास है वो आपका यूट्यूब पे चलेगा मॉर्निंग में 8 बजे से, मॉर्निंग में 8 AM की क्लास स्टार्ट होगी, 1 नवंबर से 8 AM की क्लास स्टार्ट होगी। और इसका जो PDF है वो आपका जो क्लास में पढ़ाया जाएगा वो भी PDF प्लस कुछ आपका रामबाण PDF जो अंतिम चरण में हमेशा किसी भी बैच के लिए एक अलग से रामबाण PDF निकाली जाती है, SSC के लिए भी निकाली जाएगी। और ये आपको कहाँ पे मिलेगा, ये आपको परीक्षा प्लस ऐप पे मिलेगा या टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा। तो अगर आप परीक्षा प्लस ऐप भी इंस्टॉल कर लीजिए और हमारा टेलीग्राम चैनल @PlusChannel सर्च करेंगे, @PlusChannel, या फिर आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है वहीं से आप डायरेक्ट जुड़ के कर सकते हैं, टेलीग्राम पे जुड़ जाएंगे तो बाकी सारी जानकारी आपको वहां पर दी जाएगी। तो बच्चों अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लो और परीक्षा प्लस ऐप जरूर डाउनलोड कर लो। इतना से आपको 1 महीने की बहुत विधिवत तैयारी कराएंगे। इसके अतिरिक्त यही नहीं, आपका 10 बजे से फिर एसएससी का ही स्टैटिक, केवल स्टैटिक जीएस का अलग से क्लास चल रही है, 10:30 से आपका इंग्लिश का ग्रुप बैच की क्लास चल रही है, और उसके बाद आपका मैथ्स का भी प्रैक्टिस सामने करा दिया जाएगा। तो आप 8 बजे से लेकर 11 बजे तक लगातार एसएससी को 3 घंटे अगर आप कंटिन्यू कर लोगे, इतना मैं गारंटी के साथ बता रहा हूँ कि आपके चालू फुल बस कहीं नहीं गए, ये मिनिमम की बात कर रहा हूँ, मैक्सिमम तो हम लोग करने का प्रयास करेंगे। बाकी आप किसी की भी तैयारी कर रहे हो, अगर आपका हो गया है, अगर राज्य स्तरीय उत्तर प्रदेश की तैयारी कर रहे हो, किसी अन्य राज्य से राज्य स्तरीय तैयारी कर रहे हो, तो अभी 1 महीने के लिए बाकी चीजों को थोड़ा स्लो कर दूँ, क्योंकि 1 महीने में अभी कोई एग्जाम बना लगे होते हैं, थोड़ा एग्जाम लगा हुआ जिन बच्चों का वो थोड़ा सा अगर फोकस है, बाकी कोई भी एग्जाम आपका 15 से पहले नहीं होने वाला है, ये एक बात की गारंटी है। अब आप लोग सब कुछ छोड़ के एसएससी पे फोकस करो, इतना मैं आपको यहाँ पे बोलूंगा। चलिए इस वीडियो में इतना ही, चलते हैं वो सब्सक्राइब जरूर कर लो, सारी चीजें एसएससी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको टेलीग्राम चैनल पे और परीक्षा पत्र चैनल पे मिलती रहेगी। फिर मिलेंगे, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।